नमस्कार फर्नांडा, मैं हूं कृतिका आपके साथ और आइए रुक करते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 30 जवान शहीद, मोदी ने कहा बदला लेंगे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा कदम, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लिया वापस। पुलवामा अटैक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने रद्द किए सभी राजनीतिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, बनाए 11 नए जिलाध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभालेंगे। पुलवामा हमले में शहीदों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा पुलवामा हमले के पीछे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। सीआरपीएफ जवानों की शहादत से खुश हुआ पाकिस्तान, आतंकियों को बताया आजादी के लड़ाके। पुलवामा आतंकी हमले के बाद अमेरिका, रूस और इजराइल खड़े हुए भारत के साथ। पुलवामा हमले पर बोला पाकिस्तान, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।